हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 2020-21 का एग्जाम और हो चुका है, मेंस का। आरआरबी स्केल 1 ये मेंस का है, और जो एक इसका सेशन भी अपने लिया था कि क्या सेफ अटेम्प्ट है, लाइव सेशन था, उसमें काफी जो मिल रहे हैं आपके कमेंट्स, उसमें यह है कि आप एक दोबारा एक बार इसको रिव्यू कीजिए और बताइए कि स्पेसिफिकली जो ज्यादा कमेंट आ रहे हैं वो सेक्शनल कट ऑफ के लिए आ रहे हैं। तो आज का जो सेशन है, जो मुझे जितना रिव्यू आप लोगों से मिल पाया है, और उसके अकॉर्डिंग क्या सेक्शनल कट ऑफ निकल के आ रही है, क्या स्टेट वाइज कट ऑफ निकल के आ रही है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लगे कि जो मेरा एनालिसिस है वो सही नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, राइट? चलिए, बट इसको पॉजिटिवली लीजिए। देखिए, अगर सेक्शनल कट ऑफ अगले 2019 का देखें तो रीजनिंग का, क्वांट का, हिंदी का, इंग्लिश का। अब इस साल क्या था? रीजनिंग का अगर मैं देखूं, 2020 का अगर मैं रीजनिंग देखूं तो मोर और लेस पेपर का लेवल आपका वही था, गिरा तो नहीं था एटलीस्ट, राइट? तो यहां कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ हो सकता है, गिरा नहीं। तो यहां कोई बड़ा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, प्लस बिल्कुल नहीं होगा, प्लस बिल्कुल नहीं होगा। इसमें 1-1.5 नंबर का माइनस हो सकता है, 1.5 का माइनस पॉसिबल है, प्लस नहीं होगा। सेकंड आप देखिए, क्वांट क्वांट पिछली बार काफी टफ था, इस बार डुएबल था, और क्वांट में डेफिनेटली ये बढ़ेगा। तो यहां मैं जनरल के लिए 8 से 10 नंबर का क्वांट में देख रहा हूं, ये 8 से 10 नंबर क्वांट में हो सकता है। 8 रह जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, इससे ऊपर तो ये नहीं जाएगा। क्योंकि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम इस साल मैंने जो नोट किया क्या रही है कि आपने सबसे पहले जो भी जैसे पार्ट किया करते हैं, जीए किया, कंप्यूटर किया, हिंदी या इंग्लिश जो आपका था वो किया, लेकिन जीए भी मुश्किल था, कंप्यूटर भी कंफ्यूज कर रहा था, और इंग्लिश हिंदी ओबियस है जैसा पिछले साल था, मोर और लेस वैसा ही था। तो जब आप उसके बाद आप गए रीजनिंग की तरफ, क्योंकि पिछले साल क्वांट काफी टफ था, तो दिमाग में वो चीज आपकी आई थिंक थी। तो जब तक आप क्वांट के लिए गए, आपके पास क्वांट के लिए टाइम कम बचा। हालांकि वहां अगर जाते तो बेनिफिट में थे, बट वो तो नहीं पता लगता, राइट? तो क्वांट में अटेम्प्ट उतने ज्यादा नहीं हुए जितना पेपर का लेवल डुएबल था। तो लेकिन ये मान के चलिए कि 8 से 10 के बीच में इसका रहना चाहिए, पहले वाला नहीं रहेगा। अकॉर्डिंगली आप उसका कैटेगरी का कम मान लीजिए। इंग्लिश का पेपर का लेवल मोर और लेस वैसा ही था, जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही पेपर इस साल भी था, बिल्कुल भी न उसमें कोई गिरावट थी न कोई बढ़ोतरी थी। तो इसमें से इससे बढ़ेगा बिल्कुल नहीं, 11.75 से बढ़ेगा नहीं, हो सकता है आधा नंबर इससे कम हो जाए, बढ़ेगा। हिंदी में भी वही पोजिशन है, लास्ट ईयर से नहीं बढ़ेगा, उतना ही मोर और लेस रहेगा। और जैसा पिछले साल इंग्लिश कंपेरेटिवली आसान था, डुएबल था इन कंपेरिजन टू हिंदी, इस साल भी वही आया जो लास्ट ईयर। फिर अगर अपने कंप्यूटर की तरफ चले तो कंप्यूटर पिछले साल से इस साल लेवल टफ था। इस साल पिछले से अगर आप कंपेयर करोगे तो लेवल डेफिनेटली टफ था। तो यह कंप्यूटर में मैं गिरावा देख रहा हूं, हो सकता है यहाँ 8.75 थी, ये आपको कोई 5 के आसपास मिल जाए, 5, 5, 6 कोई यही आके इसकी मिलनी चाहिए जनरल के लिए। मैं इसको 5 नंबर से ज्यादा, 6 भी नहीं, मैं 5 से ज्यादा इसको नहीं देख रहा हूं जनरल के लिए। ये डेफिनेटली कंप्यूटर की कट ऑफ से सेक्शनल गिरेगी, जीए की डेफिनेटली गिरेगी। भाई जीए को तो आपको सभी को पता है, जीए का पेपर काफी टफ था, तो ये भी आपकी जीए की जो 10 थी ये हो सकता है लेस देन 5 या यहाँ कहीं आपकी कट ऑफ आ जाए, क्योंकि जीए टफ था जनरल के लिए। सेक्शन कैटेगरी के लिए हो सकता है 2.5-3 के आसपास ही आ जाए। तो जीए में गिरावट रहेगी, कंप्यूटर में गिरावट रहेगी, और क्वांट में इनहेंसमेंट मिलेगा, और रीजनिंग में स्लाइटली मैं गिरावटी देख रहा हूं, बढ़ोतरी इसमें नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी मोर और लेस वैसा ही, लेकिन बढ़ोतरी किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा एनालिसिस। अब अगर अपने चले इनके पेपर्स का, तो जैसे क्वांट था, फिर आपकी रीजनिंग थी, इंग्लिश थी या हिंदी जो भी थी, जैसे इंग्लिश जिन्होंने की इंग्लिश थी, हिंदी वालों के लिए हिंदी थी, और कंप्यूटर, राइट, और एक जीए और हो गया जनरल। क्या पोजिशन रही? देखिए, जीए में करने को आप कोई बच्चा कितने भी करके आया, लेकिन जो जिनको अपने अटेम्प्ट माने वो 15 के आसपास ही रहे, 15 के आसपास रहे,
और उनके अगर मार्क्स आप देखोगे तो ठीक लेवल के जो बच्चे हैं उनके 10 के अंदर ही नंबर है, 10 मार्क्स से ज्यादा कम बच्चे स्कोर इसमें मेरे हिसाब से जीए में कर पाएंगे, राइट। फिर अगर अपने देखें इसका एक बार आपके इंग्लिश का, तो यहाँ अटेम्प्ट्स अच्छे गए हैं, उसमें कुछ थोड़ी बहुत आपके एक्यूरेसी का तो चक्कर रहता है, मैं नहीं कहता कि सभी सही होते, लेकिन इंग्लिश में 25 से 30 वाले आपको अटेम्प्ट खूब ज्यादा मिलेंगे, 25 से 30 तक अटेम्प्ट यहाँ गए हैं, बट यहाँ स्लाइटली 90% से ऊपर मैं नहीं मानता कि इंग्लिश की वो आपकी एक्यूरेसी रहती है क्या। और हिंदी में 2-3 नंबर कम, 22 से 26 आप मान सकते हो यहाँ कम रहे, राइट। और कंप्यूटर का जो था, कंप्यूटर जो लास्ट ईयर काफी ज्यादा रहा कंप्यूटर का अटेम्प्ट, वो यहाँ अब की बार जो 40 क्वेश्चंस थे तो उसमें से आई थिंक 20 के आसपास ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं बच्चों ने, और उसमें भी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा नहीं रहती, तो यहाँ से भी जो आप मान के चले कि भाई 20 है, 20 क्वेश्चन के 10 नंबर का हुआ, तो यहाँ से भी 8-9 नंबर से ऊपर का नहीं बन रहा है ज्यादातर बच्चों का। कुछ बच्चे जिनका कंप्यूटर ही सब्जेक्ट रहा है, आईटी सब्जेक्ट रहा है, ऑब्वियस है वो तो उनके लिए तो एज है ही है, जिनके इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था उनके लिए एज है ही है, हिंदी पर कमांड थी तो हिंदी उनके लिए है। अब अपने आए अगर रीजनिंग और क्वांट के लिए, तो रीजनिंग और क्वांट में आप देखिए रीजनिंग के जो अटेम्प्ट हैं वो ज्यादा हैं सभी के, क्योंकि इन सब पेपर से जाके फिर रीजनिंग पे गए, देन आप लोग क्वांट पे गए ज्यादातर केसेज में, तो यहां से 24-25 से लेके 26-27 तक अटेम्प्ट यहां गए हैं, या एक्यूरेसी भी ठीक रहा होगा, या 18 के अराउंड है, ये जो है ये 18 के अराउंड क्वांट के आपके ज्यादा बच्चों के जो ठीक लेवल के बच्चे हैं उनके गए हैं, क्योंकि तो यहां तक टाइम नहीं बचा कर, तो इसमें 40 में से आप कर तो 30 भी सकते थे, 35 भी कर सकते थे, लेकिन यहां तक आते आते कम हुआ। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो यहां से आप ये मान के चलिए कि 40 से 45 क्वेश्चन यहां से आपने किए हैं, 1.25 मार्क्स का था, तो यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि मोर देन 50 मार्क्स का आपने यहां से अटेम्प्ट किया, राइट। लेकिन यहां एक्यूरेसी आप 95 तक मान सकते हैं, यहां आप 95 तक के एक्यूरेसी मान सकते हैं, लेकिन यहां आप देखें जीए में, इंग्लिश में या हिंदी में और कंप्यूटर में, यहां से भी आप सभी में अगर मार्क्स आप देखें, मार्क्स देखें तो आप यहां भी देखोगे कि लेस देन 50 है, बैलेंस जो आपके टॉपिक्स रह गए उसमें लेस देन 50 मार्क्स का ज्यादातर बच्चे करके आए, राइट। और यहां आपकी एक्यूरेसी जो है वो 90% से ऊपर बहुत कम बच्चों की होगी, राइट। तो ये आपका सीन रहा है, एक ठीक लेवल का बच्चा है जिसको मैं अच्छा बच्चा मानता हूं, सिलेक्शन के लायक है उसका। अब चलिए अपने लास्ट ईयर और इस साल के सीन में क्या फर्क था, पेपर अपने देख लिया, और ऑल अगर आप पेपर देखेंगे भी, आपने जीए का भी देखा सभी, और ऑल अगर आप देखेंगे तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि लास्ट ईयर से अटेम्प्ट्स आपके गिरे हैं, बड़े बिल्कुल नहीं है, गिरे हैं, और कम से कम आप एज ऑन एवरेज 2-3 मार्क्स की, 2-3 मार्क्स की गिरावट मानिए, बहुत स्टेट्स में अबनॉर्मल अपडाउन हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल 2-3 नंबर की गिरावट मान रहा हूं मैं, बढ़ोतरी किसी भी सूरत में नहीं मान रहा। अब आप पे वैकेंसीज का अगर देखें तो वैकेंसीज में मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देता हूं, ये शायद 241 होगी, एक तो बिहार में एक बैंक ने शायद रिपोर्ट की है और उसका असर आपको कट ऑफ फ्री के में भी नजर आ गया, और एक आपके जो माइनस हुई उसमें शायद यहां हुई गुजरात में जो 238 थी उसमें से शायद ये कोई 20-25 ही रहेगी, ये काफी गिरावट आ गई, ये शायद 200 से ज्यादा की गिरावट होगी, और यहाँ वैकेंसी कोई 20-25 रहेगी, तो ये डेफिनेटली ज्यादा है, ये कट ऑफ आपके वहां मिल गई, कट ऑफ में भी दिखा। राजस्थान में जो 260 थी ये भी शायद लेस देन 50 में रह गई, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से जो यहाँ प्रॉब्लम्स रही है वो आपको प्री में नजर आई है। यूपी में भी वैकेंसीज उसकी गिरी, लेकिन फिर भी यहाँ शायद 1460 या कुछ ऐसी वैकेंसीज फिर भी बच गई, गिरने के बाद भी फिर भी बच गई, हो सकता है कुछ स्टेट्स में छोटा मोटा चेंज और भी आया हो, बाकी बड़े चेंजेस यही थे इसमें। एमपी का मुझे आइडिया नहीं है, बट ये कुछ चेंजेस थे। तो अब अगर अपने देखें तो जो जिनका सिर्फ आप एक जो बड़े चेंजेस मैं देख के चल रहा हूं वो ये है कि जो गुजरात है जो हमेशा लोअर रहता है वो हायर रहेगा,
और हायर आप लास्ट ईयर के देख लो, जो हायर है भाई लास्ट ईयर 90 प्लस पे जो भी रहा वो हायर जोन था, तो ये गुजरात हायर में रहेगा। राजस्थान आपका हायर में रहेगा, जो पिछली बार देखिए ये एवरेज जोन में रहता है हमेशा, पिछली बार ये हायर में रहा 88.69 एवरेज में रहा, लेकिन इस बार ये हायर में रहेगा। उड़ीसा उसमें काफी कम वैकेंसीज है, ये भी एवरेज में रहता है, एवरेज के बॉटम में रहता है, लेकिन लोअर की तरफ, ये भी हायर जोन में रहेगा। तो ये नए हायर जोन के प्लेयर ये नजर आए। यूपी जो आप देखिए पिछली बार एवरेज के ऊपर की तरफ था, एवरेज जोन के ऊपर की तरफ था, ये आइदर एवरेज बॉटम या लोअर की तरफ रहेगा, ये लोअर की तरफ आपका नया जो एक लोअर की तरफ आएगा वो यूपी आएगा। देन आपका जो बिहार आप पे लास्ट ईयर देखें तो एवरेज जोन में था, ये भी इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां वैकेंसीज इनिशियली कम थी, फिर वे रिपोर्ट हुई है, तो हो सकता है कुछ फॉर्म फिलिंग में बिहार वाले यूपी आए हो, ये प्री में मुझे देखने को मिला। तो ये लोअर की तरफ है आपका। देन आप देखें मध्य प्रदेश एमपी में, हालांकि एमपी लास्ट ईयर भी देखें तो आप एवरेज जोन जो था, तो मुझे लग रहा है कि ये करीब करीब जहां था वहीं रह जाएगा भाई, जैसे मैं ये मान रहा हूं कि जनरल, क्योंकि वैकेंसीज भी उतनी है, तो कि जितनी कटो ये जैसे महाराष्ट्र है पिछली बार ये 54.75 था, तो ऐसा ये नहीं मिलेगा, ये वैकेंसीज काफी गिरी है, मुझे लग रहा है कि ये लोअर में ही रहेगा, लेकिन लोअर मोस्ट में नहीं रहके ये हो सकता है एवरेज जोन की तरफ, तो इसमें डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हायर जोन में चला जाएगा, बट ये एवरेज जोन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और जो मुझे चेंजेस जैसे आपके हरियाणा देखिए हायर में था, ये हायर में ही रहेगा, हिमाचल भी हायर में रहेगा, जे एंड के भी हायर में रहेगा, राइट। और इसके अलावा जो और आसाम है ये लोअर में रहेगा, आसाम लोअर में रहेगा, डेफिनेटली लोअर मोस्ट भी हो सकता है। और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एक आध स्टेट में जैसे मिजोरम लास्ट ईयर थोड़ा सा ऊपर रहा, बाकी सभी लोअर में रहते हैं, ये ज्यादातर लोअर में ही रहेंगे, उनके वैकेंसीज में भी कोई बड़ा तब्दीली नहीं आई है। उत्तराखंड हाईएस्ट था पिछली बार, और इस साल भी आप देखिए 5 वैकेंसीज है, और उत्तराखंड अभी भी शायद प्री में भी इसका 61.5 कट ऑफ था, तो ये डेफिनेटली हायर था और हायर ही रहेगा, राइट। और जो स्टेट्स जहां हैं उनमें कोई बड़ा चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा, जैसे अब त्रिपुरा है, त्रिपुरा में 94 थी अभी 10 ही है, तो ओबियस है कुछ न कुछ इसमें बढ़ोतरी होगी ही होगी, कोई इसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है। तमिलनाडु है, ये आपको एवरेज जोन में आई थिंक मिलेगा, एवरेज में लास्ट ईयर भी था, एवरेज में ही था, कुछ थोड़ी बहुत गिरावट भी आई है, तो ये एवरेज का था और एवरेज में ही रह जाएगा। पंजाब हायर में था, हायर में ही रहना चाहिए। पौंडीचेरी में भी एक वैकेंसी है, तो इसका क्या प्रेडिक्शन हो पाएगा, हाँ ये जरूर ओडिशा नया हायर में आ गया। बाकी जो बड़े चेंजेज आपको ओरो में देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। तो छत्तीसगढ़ है, ये लोअर किस तरफ रहेगा, लास्ट ईयर ये एवरेज में था, अब की बार ये लोअर की तरफ रहेगा। इन जनरल मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2 से 3 मार्क्स की कटौती, ये जो डिडक्शन सभी में रहना चाहिए, कटौती रहनी चाहिए। और कुछ जो चेंजेस थे, बाकी बड़े चेंजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस थे जैसे आपके गुजरात में, राजस्थान में और उड़ीसा में, ये बड़े चेंजेस मिलेंगे ऊपर की तरफ जाने के लिए। यूपी और बिहार ये नीचे की तरफ आने वाले स्टेट्स आपको मिले। अब अगर कैटेगरी वाइज चर्चा आपने करें तो आप लास्ट ईयर का थोड़ा सा कैटेगरी का देख लीजिए, तो जो कैटेगरीज के बेनिफिट लास्ट ईयर मिले वो डेफिनेटली मिलेंगे। हाँ, ये जो स्टेट हायर की तरफ गए, आप ये मान के चलिए कि आप अकॉर्डिंगली कैटेगरी वाले भी अपनी पोजीशन को चेंज करें, हायर की तरफ चले जाएं, बाकी जो कैटेगरी वाइज बेनिफिट लास्ट ईयर मिले हैं वो इस साल भी मिल लेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से जरूर करना चाहूंगा, जैसा भी पेपर हुआ है अब आप उसको चिल मारिए। अपकमिंग जो एग्जाम्स है, जो भी जैसे आपने आपका कल आईबीपीएस पीओ मेंस का है, उसके बाद 2 क्लर्क मेंस के हैं, जिस भी प्री जो भी प्री आपकी क्रैक की हुई है तो उसको उसके मेंस को टारगेट कीजिए, बिल्कुल एक बार इसको भूल जाइए, राइट। बार बार इसमें जोड़ बाकी करके मत देखिए कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, क्या कट ऑफ रहेगी क्या नहीं रहेगी, बट ये आप लोगों की बार बार क्वारी आ रही थी, इसलिए सेशन एक लेना जरूरी था। और बाकी तो आप देखें तो इसमें इतनी बड़ी विंडो है कि इसका प्रेडिक्शन बहुत टफ है भाई। आप इतनी कैटेगरी वाइज विंडो, देन स्टेट वाइज बहुत बड़ी विंडो, लास्ट ईयर का आप देखें 103-4 वाला सेलेक्ट हुआ,
57, 54, 55 वाला भी सेलेक्ट हुआ तो क्या आप पे प्रेडिक्शन मानोगे इसको, राइट? तो चलिए अभी आज के सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए नाइस डे।